अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, नाउ वी स्टार्ट आवर समर पैक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर एक्टिविटी नंबर 1 में क्या करना है, डूज एंड डोंट, यानी कि कंप्यूटर लैब में जो हम लोग काम करते हैं और हमें जो काम नहीं करने चाहिए हमने वो एक पोस्टर पे राइट कर लेनी है। एंड एक्टिविटी नंबर 2 है, इसके अंदर हम लोगों ने एनी 4 फीचर्स लिखने कंप्यूटर के एज अ मशीन। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर एज अ मशीन। आप लोगों ने 4 सेंटेंसेज राइट करने हैं और आप लोगों ने कंप्यूटर के फीचर्स को अपने डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, राइट डाउन एनी वन ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर ईच ऑफ द गिवन कैटेगरी। हम लोग कंप्यूटर को, ये जो हमारे पास मेंशन है स्कूल हॉस्पिटल एंड होम, इनमें हम लोग कंप्यूटर को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, वो यूजेस बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर देने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 है, इसमें हम लोगों ने लेबल करना है, हमें पार्ट्स हमें कंप्यूटर के दिखा दिए गए, इनको देख के हमने इनके नेम राइट कर देने हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स, और हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस लिखना है एटलीस्ट 2 लाइंस में, कंप्यूटर और ह्यूमन बींग में क्या डिफरेंस है और उसको हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 है, रीड एंड मैच फंक्शंस टू रेलिवेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ पे हमें फंक्शन बता दिए गए हैं और सामने उनके डायग्राम ड्रॉ की हुई है, हमने उनको उनके साथ कॉलम मैच कर देने हैं, उनका जो फंक्शन है उसको उसके साथ मिला देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 है, इसके अंदर हम लोगों ने हमें ना बेसिकली अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए जिनको हम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करके राइट करना है। फर्स्ट पर लिखा हुआ है TELABT, बेसिक ये बनता है टैबलेट, हमें टैबलेट के स्पेलिंग यहाँ पर TABLET ये राइट कर देना है, TABLET, और सेम एज इट इज़ हम लोगों ने बाकी भी राइट कर देने हैं। सेकंड है स्मार्टफोन, हमें स्मार्टफोन को करेक्ट करके लिख देना है और एज इट इज़ सेम इसी तरह हम लोगों ने बाकी मौके को सॉल्व कर लेना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हमें डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में 3 सेंटेंसेस लिखने हैं और इनका डिफरेंस को डिस्क्राइब करना है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को सारा काम समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।